गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज मैं फाइनली ये वीडियो ला रही हूँ अपने चैनल पे जिसका आई नो सब लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आई नो काफ़ी डिले कर दिया मैंने बट होता रहता है चलता है बट फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मैं अपना क्यों वीडियो लेके आ गई। आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड लाइक टू द पॉइंट। सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू थिंक अबाउट एसिड्यूअल गर्ल टीम वालो पॉम्पी। सी एसिड्यूअल गर्ल टीम, अभी तो एसिड्यूअल में कोई ऐसा लाइक कोई गर्ल गेमर्स नहीं है जो वालो बहुत ऐसा ग्राइंड करके खेलते हैं। आई नो अंकिता और मैं है जो काफी ठीक है काफी ज्यादा वालो खेलते हैं बट मेरा लुकआउट नहीं है ठीक है वो थग और गोल्डी भाई का है। सो या व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग। सी आई डोंट रियली प्लान, ऑनेस्टली बोलूं तो आई डोंट रियली प्लान बट मेरा प्लान सिर्फ ये है डू गुड इन लाइफ, अपने करियर में मैं स्टेबल हो जाऊँ। आई जस्ट डोंट वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी यू नो स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ मी एवर, वो मेरा प्लान हमेशा से रहा है। लाइक आई रिमेम्बर स्कूल टाइम में मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि व्हाट आई एम गोना डू आफ्टर यू नो स्कूल, मतलब कॉलेज छोड़ो मुझे स्कूल के बाद क्या करना है मुझे वो ही नहीं पता था। बट आई जस्ट हैड वन थिंग इन माइंड कि कुछ तो करना है लाइफ में, कि मेरे मम्मी पापा मुझे देखे तो बस खुश हो, ऐसा था मेरा प्लान। तो दैट्स द प्लान। सो व्हाट मेक्स यू रियली एंग्री एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर। व्हाट मेक्स मी रियली एंग्री, आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें होंगी। अब किस चीज से रिलेटेड तो थोड़ा यू नो एक क्वेश्चन थोड़ा सा वाइड हो गया है बट अभी जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है सी व्हाट रियली एंग्रीज मी द मोस्ट, when people you know stereotype girls, like when they see a girl and they just you know throw their stereotypical thinking on them ki bhai ye to ladki hai to ye aisi hogi, hota hai na ki to waisa nahi karna chahiye। I mean it's not just about girls but every person is different, so you should get to know someone you know before saying anything about them or judging them or anything, just get to know a person, like it doesn't matter if they're a girl or a boy, sab alag hote hai yaar, bas wo hai। and biggest fear, like waisa fear to kuch nahi but मुझे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब इतना ज्यादा कि आई थिंक मैं मतलब ये मेरा बेड है ठीक है, मैं इतनी सी हाइट पे भी मैं चढ़ के नीचे देखती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। और एक मुझे अंडर वाटर लाइक रहने से बहुत डर लगता है, लाइक द थॉट ऑफ इट स्केयर्स मी बहुत ज्यादा। थोड़ा रुक जाती हूँ। Yes, it is bad. मेरा मॉड पूछ रहा है how to make Shiro happy and positive from our end. See, ये सब लोग मुझे तुम लोग सपोर्ट करते हैं और मेरे को हेल्प करते हो लाइक when I'm streaming और मेरा डिस्कॉर्ड हैंडल करने में, वो सब ऑलरेडी मेरे लिए काफी है। लाइक एक तरह से मेरा बैकअप टीम है ये लोग, what would I do without you? तो मेरा वो ओपिनियन था इसलिए मैंने कभी लाइक वो डिसीजन नहीं लिया किसी गर्ल्स टीम में जाने का। लाइक आई वुड हैप्पीली बी अ फिफ्थ प्लेयर इन अ गुड टीम रादर देन यू नो बीइंग इन अ गर्ल्स टीम, एंड एक्चुअली आई वुड हैप्पीली लीव स्पोर्ट्स रादर देन बीइंग इन अ गर्ल्स टीम। इट्स जस्ट माय ओपिनियन, कुछ लोगों को बुरा लगेगा सुन के बट दिस इज व्हाट आई फील कि अगर स्पोर्ट्स में आप इतना ग्राइंड करने रेडी हो, आप इतना मेहनत करने रेडी हो तो आपको रिजल्ट भी तो अच्छा मिलना चाहिए, तो बट गर्ल्स टीम में रहके वो सब नहीं मिलता तो मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं था। दैट्स व्हाट आई एम गोना से। व्हाट्स द वन थिंग यू रिग्रेट द मोस्ट एंड वांट टू रीडू इट इफ यू गॉट अ चांस। रिग्रेट आई एम गोना से दैट मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। अभी भी मैं पूरा बाहर नहीं निकली हूँ बट एटलीस्ट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि आई नीड टू डू दैट। लाइक एक ही जगह पर आप स्टक नहीं रह सकते हो तो, बट आई वाज ऑलवेज लाइक नो आई एम गोना डू माय थिंग, आई एम हियर फॉर गेमिंग सो आई एम गोना स्टिक टू इट। बट यू हैव टू रियलाइज कि अगर बाकी लोग कुछ चीज करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इफ यू डोंट डू इट यू आर जस्ट गोना यू नो लैक एंड यू गोना स्टे स्टक एट वन प्लेस, यू कैन नॉट डू दैट व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो वो चीज मैंने रियलाइज कर ली है दैट या मतलब ठीक है उनके जैसा कुछ उनको कॉपी नहीं करना है बट खुद के स्टाइल में खुद के बारे में या खुद से रिलेटेड कुछ अलग कॉन्टेंट बनाना जरूरी है। सो या और एक रिग्रेट कि मैंने e-sports के लिए एक लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने मिस की है जस्ट सो आई कैन कंटिन्यू विद e-sports, तो वो मैं रिग्रेट करती हूँ बिकॉज e-sports में मेरे को कुछ मिला नहीं, मतलब मेरा सपना था इसलिए क्या, तो इतना भी रिग्रेट नहीं है बिकॉज आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू सो आई एम हैप्पी। What is the best moment for you after entering into the YouTube community, such a moment that you can never forget in your life? Honestly, it's every day. Like abhi jo meri life ho gayi hai, everything, it's something like it is special for me. So best moment see ye hai ki main pehle kisi se zyada baat nahi karti thi, main pura din apne ghar pe hi rehti thi theek hai, unless I have to go to college, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती थी। घर पे वो कुछ खेलना है खेल लिया, घर वालों से तो मैं फुल टाइम बात करती हूँ बट उसके अलावा नॉट मच। सो नाउ आई टॉक टू सो मेनी पीपल एवरी डे थ्रू माई लाइव स्ट्रीम्स, सो दैट इज व्हाट आई एक्चुअली लाइक।
अबाउट माई लाइफ नाउ. आप एसिडल बूट कैंप कब जाओगे? पता नहीं, जब थक या मॉर्टल या गोल्डी बॉय मुझे बुलाएंगे तब. योर बेस्ट मेमोरी एवर इन योर ईस्पोर्ट्स करियर? सो सी आई नो सब लोग ऐसा बोलते हैं फर्स्ट एंड ओनली गोल गिवर इन PMCO, बट द थिंग इज कि आई डोंट रियली count it as an achievement because I was not there to play. I was just there because I was the fifth player of my team and I had to be present there. That's why I attended the event. But in the end, I was glad that I went there because I got to meet so many new people. Like, जिनको मैं इतने time से जानती थी, जिनको मैं follow करती थी, उनको देख के मैं सीखती थी कि स्ट्रीमिंग से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड, तो उन लोग से मैं मिल पाई, स्पेशली थग एंड मॉर्टल, जिनको तो मैं अभी भी मानती हूँ, और उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं अभी कम, बट उस टाइम इट वॉज लाइक आई कुड नॉट बिलीव कि हाँ मैं मिल पा रही हूँ उन लोग से. तो ऐसा सीन था. सो आई कैन से कि वही बिकॉज ई स्पोर्ट्स के थ्रू ही आई गॉट टू बी देयर. सो या वो बोल सकता है. वट वुड यू चेंज इन योर सेल्फ इफ यू कुड? लाइक आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजिली. लाइक कोई मुझे उल्लू बना के ऐसा चला जाएगा बस बहुत ईजी है. ये मैं बोल के गलत कर रही हूँ बट ऐसा ही है. मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है कि तू बहुत उल्लू है, इसलिए उनको डर लगता है मेरे को बाहर किधर भेजने से अकेले, बिकॉज शी थिंक्स कि ये तो स्टूपिड है एकदम. समझ रहे हो, खुद की बेइज्जती करवा रही हूँ मैं बोलकर. If you could live anywhere, where would it be? Okay. If I could live anywhere, so actually मेरा बचपन से सपना है, पता है कि मेरा घर होना चाहिए ऐसा पहाड़ों पे, ऐसा एकदम बोलते हैं ना आइसोलेटेड, एकदम आइसोलेटेड एक हट टाइप घर पहाड़ों पे किधर होगा. Which is your favorite non-multiplayer game? एक सिंगल प्लेयर गेम ही बताना है तो माई फेवरेट गेम इज द लास्ट ऑफ अस. दैट्स द फर्स्ट स्टोरी मोड गेम दैट आई एवर प्लेड. सो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, इतना पसंद था दैट आई प्लेड इट ट्वाइस. व्हाइल प्लेइंग BGMI, हाउ यू प्ले सो कामली इवन इन इंटेंस सिचुएशन? कब हो गया ये? मतलब BGMI इज अ गेम जो मैं कब से खेल रही हूँ, तीन साल से भी थोड़ा ज्यादा. लाइक एवरी डे we used to play for more than 12 hours and I used to be in an e-sports team. बहुत ज़्यादा खेला है और उसको इतना grind किया है, उसके इतना practice किया है to improve my game. मतलब अगर entry करनी है मुझे, मैं बिना सोचे like situation के according कैसे एंट्री करनी है, कैसे फर्स्ट नॉक निकालना है टीम के लिए, वो मुझे उस टाइम आता था और मुझे खुद पे पूरा भरोसा था. तो वो चीज़ मेरी अभी तक गई नहीं है. ठीक है, मेरा गेम प्ले चला गया है बिकॉज अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करती. हु इज़ योर फेवरेट इन SA12 एंड हाउ यू ज्वाइन SA12? मतलब आपने उन्हें बोला था या सामने से ऑफर आया था? ओके, सो माई फेवरेट इन SA12 दैट इज मॉर्टल. आई थिंक एवरीबडी नोज बिकॉज मॉर्टल को देख के ही मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था. तो यार सबको पता है वो चीज. हाउ आई ज्वाइन, सो थिंग इज कि थग हैड आस्क्ड मी टू ज्वाइन 8-bit व्हेन आई वाज इन SG, तो दैट इज लाइक 2 years ago, मोर देन 2 years ago. सो तब मैंने मना कर दिया था बिकॉज माई फोकस वॉज e-sports. ऑब्वियसली हाँ, उसके 1.5 साल बाद आई वॉज लाइक नॉट एट ऑल हैप्पी विद माई करियर, क्योंकि मैंने e-sports तो छोड़ ही दिया था एंड एज अ स्ट्रीमर भी आई वॉज नॉट डूइंग सो गुड. तो देन आई आस्क्ड थग अगेन कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन, कि पॉसिबल है क्या ऐसा ऐसा. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मैंने थक को ऐसा, मैंने बहुत बहुत डर डर के उसको बताया, वो मैसेज किया कि थक आई वांट टू जॉइन 8-bit ऐसा. और पता है मैं इतना डरी हुई थी और थक का रिप्लाई पता है क्या आता है? वेलकम टू 8-bit. मैं ऐसा था कि क्या हुआ, मैंने जस्ट अभी बोला वेलकम टू 8-bit, तो मैं शॉक हो गई थी. वर देयर एनी स्ट्रगल्स व्हाइल स्टार्टिंग योर ई-स्पोर्ट्स करियर? ऑब्वियसली. ओके, आई नीड अ ब्रेक. इतनी बात मुझे आदत नहीं है इतनी बात करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द IGC और यू आर जस्ट अ लोन वुल्फ लाइक मी? मतलब बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं है, इतना अच्छा फ्रेंड भी कोई नहीं है. लाइक आई हैव मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब बट सबके साथ यू नो होता रहता है कुछ ना कुछ, बट इतना क्लोज कोई नहीं है. बट अगर स्टार्टिंग से अभी तक का देख के बोलूं तो आई कैन से गोल्डी. अब सब लोग को लगेगा गोल्डी भाई, नॉट गोल्डी भाई, गोल्डी जिसके साथ मैं पहले बहुत खेलती थी. He actually moved to US, इसलिए उसने खेलना बंद कर दिया, बट बोल सकते हैं लाइक वो ही सबसे ज्यादा क्लोज रहा है. How to improve aim in Valo? Okay. How to improve aim in Valo? You're asking me. You're asking someone who is a hard stuck diamond. Actually, if you want, I'll make a video on it. I'm gonna make a video on it. I know I'm not so good, but still, if you have asked, I'm gonna make a video on it. Favorite खाने का dish क्या है? Favorite खाने का dish छोले भटूरे. I love छोले भटूरे.
why are bacons called bacons and cookies called cookies as we bake cookies and cook bacon? Come back to esports when? Never. Never. No. If your life was a movie, would it be? So what would it be called? If my life was a movie? Struggle to hai. Ganda tha, maaf karo. How much percent have you gotten twills? Standard. Invalid question. If you were given a chance to be extrovert, would you give it a try? No bro, I'm happy the way I am, honestly. और मेरा ऐसा सीन है, when I vibe with some people कि मुझे कुछ लोग का कंपनी पसंद आता है ना, तो I talk a lot. Main reason for switching from mobile esports player to PC game streamer. सबको लगता है कि मैंने Valorant पे switch किया था after PUBG Mobile ban, which is not true. मैंने Valo पे switch किया था because मैंने PUBG esports छोड़ दिया था and मैंने छोड़ा था कब पता है? June. I think June 2020 में मैंने decide कर लिया था and मैंने leave कर दिया था. उसके बाद मेरे को फिर से जो like मेरा teammate था Hitman, उसने पूछा and हमने एक और tournament में try किया but उसमें मैंने इतना ज़्यादा try नहीं किया because उस time जो हमारी team थी उससे मैं खुश नहीं थी. ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम्स थे मुझे टीममेट से, तो इतना ट्राई नहीं किया. बट हाँ, तो दैट टाइम आई हैड लेफ्ट एंड तो फिर मैंने उसके बाद आई स्टिल यूज टू स्ट्रीम पबजी मोबाइल बट मेरे को बोरिंग लगने लग गया था बिकॉज होता है ना लाइक ई-स्पोर्ट्स हट गया है पिक्चर से, तो वो फन फैक्टर वो जो एक था ना मेरे लिए, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा मोटिवेशन था ई-स्पोर्ट्स गेम को. 12 घंटे कौन खेल सकता है भाई अगर ई-स्पोर्ट्स नहीं है, तो मैं पक गई थी उस गेम से. फिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि तू Valorant ही ट्राई कर ले, बहुत अच्छी गेम है ये वो. ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया एंड आई गॉट अडिक्टेड. हाँ, और मैंने मतलब Valorant खेलना स्टार्ट कर दिया था उसके एक महीने बाद PUBG बैन हुआ है, तो सबको लगता है कि बैन के बाद स्टार्ट किया था बट नो, मैंने पहले ही छोड़ दिया था. डू यू हैव एनी क्रश ऑन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर और एनी कॉन्टेंट क्रिएटर्स? इफ यस डू टेल द नेम. किसी पे नहीं है, कभी भी नहीं था एक्चुअली स्टार्टिंग से तक. All time favorite game, FIFA. मैंने काफी टाइम से नहीं खेला है बट आई रियली मिस इट. और मैं डेली सोचती हूँ कि यार आज अगर मुझे टाइम मिला मैं भाई के साथ FIFA खेलूंगी बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है. What keeps you motivated? Honestly, मैं कभी कभी आई फील सो लो कि भाई आज तो बिल्कुल कुछ मन ही नहीं हो रहा है कुछ भी करने है, बस ऐसा अपसेट सा फील हो रहा है. बट देन मैं मम्मा को देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, करते रहना है मेहनत. तो पता नहीं क्यों बट ऐसा होता है मेरे साथ, तो होता है. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, लाइक मम्मा पापा को देख के ना ऐसा मोटिवेशन आता है कि नहीं बस. मैं मतलब वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, सॉरी. सो या हो गया सारे क्वेश्चंस. आई डोंट नो कि एंड में वीडियो कैसा बनेगा. आई जस्ट वेंट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस दैट आई रिसीव्ड और सब मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट अच्छे से आंसर करने का. तो आई होप आप लोग को मजा आया हो और सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए हो. सो That's it for this video guys, so I'll see you guys in the next video. Take care, bye bye. When will you collect? It's late, babe. I'm in the wrong.